13 डाला, इतने सारे मैसेजेस आए, हमेशा नया का दो। तो मैं क्विक क्विक वाले काम रखती हूँ, टॉवल के साथ धक 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 नहीं करना। ये भी मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं पहले अपने पे ट्राई करती हूँ फिर बच्चों पे। लेकिन भाई हमारे भी हेयर की जरूरत है, कौन समझेगा ये। पिछली बारी मैंने अनान्या का हेयर केयर रूटीन डाला, इतने सारे मैसेजेस आए, हमेशा अनान्या का दो, ये जो लंबे बाल वाली दीदी है हमारी, इसका हेयर केयर रूटीन दो, क्योंकि सबको इसकी तरह सुंदर सुंदर हेयर चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं तो फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आज मैंने शनाया को अपनी टीम को अपने पास बुला लिया है, सारी कार्रवाई मैंने कर ली है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पेन पेपर निकाल लो, फटाफट नोट करना शुरू कर दो, और अपनी मम्मियों के पीछे पड़ जाओ, मम्मियों बच्चों के पीछे पड़ जाओ, एक्शन में आ जाओ। हाँ, सबके हेयर, हम ये वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं सबके हेयर बहुत ही ज्यादा घने सुंदर लंबे बालों का राज सबके पास होना चाहिए। और चांस की बात है, आज भी संडे है और अनान्या ने हेयर वॉश करा ही हुआ है और आज भी इसने वही सारा रूटीन फॉलो किया था। वेल डन अनान्या, वेल डन मम्मा। हाँ, वेल डन मम्मा। सो भैया टीम वर्क है, अकेले बच्चे छोटे क्या ही करेंगे। तो अब पुनीत, क्या प्लान है आज का, आज क्या ऐसी खास चीज लाए हो आप इस वीडियो में। यार सुनाया कि बड़े टचवुड हेल्दी 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 हेयर है क्योंकि ये हेल्दी ईटर है। हेल्दी बाल लोगों के लिए सबसे पहले यू नीड टू ईट हेल्दी, ग्रीन वेजीज, नट्स, मम्मा जो बोले सब खाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करता है। आज हम इसके बालों के लिए कुछ कुछ यूज करने वाले हैं। इसके बालों में मैं एक ऑयल यूज करूंगी, कैस्टर ऑयल डालूंगी, उसके अंदर रोजमेरी ऑयल डालूंगी, उसके अंदर विटामिन सी डालूंगी जो मैंने अनाना में भी यूज किया था, लेट मी टेल यू, मगर इसके बालों के लिए मैं एलोवेरा ऐड करूंगी उसके अंदर। हाँ, और एक सिरम टाइप बन जाएगा। तो जब हम एलोवेरा डालेंगे, बातें क्यों कर रहे हैं, करके दिखाते हैं ना। हाँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करो भैया, डेमो डमो डमो शुरू कर दो, डमो डमो, याद है डमो, डमो शुरू करो। चलो जी, तो गाइस मैंने कुछ सामान इकट्ठा कर लिया शनाया के लिए। आपको याद होगा पिछली बारी मैंने अनान्या के लिए कुछ बॉईल करा था पानी, फेनुग्रीक सीड्स, अनियन सीड्स, और इस बारी मैं शनाया के लिए ये वाली रोजमेरी लीव यूज करूंगी। पानी में उबाल दूंगी, आधा हो जाएगा पानी, तो उस पानी को मैं शनाया के जब वॉश करूंगी उसके ऊपर डाल के छोड़ दूंगी। ये भी बहुत इजी तरीका है और अच्छा काम करता है। रोजमेरी ना बेसिकली इट बूस्ट द हेयर ग्रोथ, तो मेरी फेवरेट है रोजमेरी। चाहे उसको ऑयल में यूज कर लो, चाहे उसको आप उबाल के इजी वे में यूज कर लो, तो मैं तो ना वो काम करती हूँ जो क्विकली हर घर में हो जाए, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ और मैं समझ सकती हूँ हाउ टीडियस इट इज। तो मैं क्विक क्विक वाले काम रखती हूँ ताकि बच्चे को भी ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो ये वाली मैं उबलवाने दे देती हूँ नीचे, तब तक हमारा ये उबल जाएगा। और हम इसके बालों में यूज करने वाले हैं कोकोनट ऑयल। ये गया हमारा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। ओए एलोवेरा जेल, यार एलोवेरा जेल ना भूल गई। और अब जैसे ये भी मेरे पास रोजमेरी ऑयल है, लाइक आई टोल्ड यू, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने अनाने में भी यूज किया था। इसमें मैं कई बारी ना वेदर के हिसाब से कैस्टर ऑयल भी यूज कर देती हूँ। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड इट बूस्ट द हेयर ग्रोथ। तो ये हो गया, ये हो गया, एंड विटामिन सी ऑयल कभी भी मिस नहीं करना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं यूज करती हूँ प्रिमोसा, प्रिमोसा 1000 की कैपेसिटी वाला। आप इसका एक छोटा कैप्सूल भी आता है, वो भी ले सकते हो। प्रिमोसा इज वेरी नाइस, मैं इसको बहुत ईयर्स से यूज कर रही हूँ एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। आप लोग इसको अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो यार। एलोवेरा जेल डालो, बस ये हो गया। और इसको अब उंगली से मिला लो। ये एक सिरम की तरह भी काम करता है, आप इसको हेयर जब वॉश हो जाते हैं उसके बाद भी बालों पे लगा सकते हो, और फिर अपने बालों की स्मूथनेस देख लेना, इसकी गारंटी मेरी, इतने स्मूथ हो जाते हैं। ये देखो इस सिरम बनता जाता है। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। जब भी लगे बाल रफ हो रहे हैं, बस इसको लो और बालों में लगा दो, बाकी छोड़ो।
चलो जी इसको फटाफट लगा लेते हैं। आ जाओ जी शनाया दीदी, इसको हाथों से ही लगा लो क्योंकि नेल्स में भी जाएगा, हेल्दी तो है ही है, नेल्स भी इसी बहाने मेरे हेल्दी हो जाएंगे। जेन बस जेंटली एंड लेट इट गो, बस बालों को प्यार से रखो, इसको ऐसे टक 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 टावल के साथ टक 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 नहीं करना, आराम से रखो जेंटली। और जब अड़के भी उतारते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, हमने डी टैंगलर रखा हुआ है तो डी टैंगलर से ना बहुत आराम से निकल जाते हैं, जड़ ऐसे ऐसे टक टक टक, रूट्स टूटती नहीं है, और प्यार से देखो लड़ाई इनकी चालू रहती है। चलो आओ नीचे चलते हैं, इसको बॉईल करवा के लाते हैं। चलो गाइस लेट्स गो, एक ग्लास पानी इसको आधा कर लेंगे और इसके अंदर जा रही हैं ये रोजमेरी लीव्स। ओह माय गॉड, ये सिर्फ रोजमेरी लीव्स नहीं है, ये जादू है, मैं आपको बता दूं। ये भी मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं पहले अपने पे ट्राई करती हूँ और फिर बच्चों पे, इट एक्चुअली वर्क्स, पक्का ट्राई करना। और ये आपको बहुत आसानी से अमेज़न से मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड्स का है, आप किसी का भी ले सकते हो, सब अच्छे होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। इसको उबलने देते हैं, ये जब आधा हो जाएगा तब तक मैं शनाया का हेड वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके सिर पे डाल देती हूँ। चल शनाया तेरा हेड वॉश कर देती हूँ। गाइस मैंने इसको तकरीबन 1 आवर रखा है। मतलब हमारे को कोई पूछ नहीं रहा है गाइस, तो रहने दो फिर, हमारा भी तो हेयर केयर चाहिए। या हमारा हेयर केयर नहीं होगा, हम बॉयज हैं, हम सदारे हैं, पगड़ी बांधते हैं, हमारे हेयर नजर नहीं आते, लेकिन भाई हमारे भी हेयर की जरूरत है, कौन समझेगा ये। मेरा भी वीडियो बनाओ गाइस, कमेंट करके बताना, डू यू वांट माय हेयर केयर। हाँ हाँ, फिर जो मुझसे एक एक घंटा बैठ के मालिश करवाते हैं ना, और सोते रहते हो कैसे, तूने करा तो है नहीं है, तू करती क्या है। हेयर केयर सबको चाहिए गाइस, कोई बड़ा हो छोटा हो, चलो ठीक है बच्चे आप मुझे बताना, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगी। इनका बच्चों को थोड़ा सा नरिशमेंट ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होता है, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, अपना हेयर केयर भी करो। इनका नरिशमेंट सबसे ज्यादा होता है, एक एक घंटा मालिश करवाते हैं, कैन यू बिलीव इट। झूठी है, एक एक घंटा, कॉमेंट कर देना कैन यू बिलीव इट। पीकॉक पीकॉक जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री होना चाहिए, बाकी कोई भी शैम्पू इज गुड एनफ, माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। आजकल बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल है, प्लीज इनके पीछे चेक करो, हर एक शैम्पू के पीछे लिखा होता है, आप जरूर चेक करना। एक भी बारी कंघी नहीं मारी है और शी हैव टच विद गुड हेयर, गुड लेंथ, बस बालों को हल्का हल्का करते हैं, टक 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 टक, भगवान के लिए प्लीज मत करो, इनका ध्यान रखो। मैं सिर्फ पानी ऐसे निचोड़ती हूँ बस, बाकी आई लेट इट बी। और फिर उसके बाद ये मैंने आपको अनाने के टाइम पे दिखाया था, आर्गन ऑयल सिरम, ये स्कैल्प पे मत लगाओ, सिर्फ हेयर पे लगाओ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आप कोई भी ले सकते हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है यही लेना है, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं यार। एंड देन आई यूज सिरम, सिरम तो आप कोई भी ले लो, जो आपको अच्छा लगता है ले लो, क्योंकि सिरम में बहुत सारे ट्राई करती हूँ, मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने अनाना के टाइम पे बायोलेज का लगाया था, ये वाला आई थिंक ये लॉरियल का है, सो करती रहती हूँ। हाँ एक चीज और, ड्यूरिंग द वीक, अभी तो बाल सूख गए, ड्यूरिंग द वीक क्या करते हैं, ऑयल नहीं लगाती, क्या करती हूँ, OGX का पेनिट्रेशन ऑयल आता है, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी शीशी भी, वो लगाती हूँ मैं। उससे क्या होता है, जब कोम करनी होती है तो ऐसे बालों पे लगा लिया और फिर ऑयल जैसी फीलिंग आ जाती है, मगर वो ड्राई हो जाता है, उससे नरिश्ड रहते हैं पूरा हफ्ता है, वो बड़ा जरूरी है यार। देखो एक बार तो आपने कर लिया, पूरा हफ्ता उसको मेंटेन भी तो करना है, वो जरूरी है। जल शनाया फटाफट वो पाउच में से लेकर आ, गो जल लेकर। पूरा हफ्ता मैं ये वाला आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्कन यूज करती हूँ, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है मेंटेन करने के लिए है, ये nice. लगाऊंगी मगर ओवर द वीक लगाती हूँ थोड़ा सा। गाइस मैं ये वाले डिटैंगलर की बात कर रही थी, अभी तो जैसे बाल
बहुत गीले हैं, अभी तो हल्का हल्का बस ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूंगी, अभी अड़के नहीं निकालूंगी। ये मैंने वैसे मंगाया था ओलिविया गार्डन है, ये हमने अमेजोन से ही मंगाया था। बहुत सारे डिटैंगलर मिलते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले लो, मगर डिटैंगलर जरूर यूज करो। वो कंघी से थी 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 ऐसे मत करो यार, प्लीज संभाल के रखो। मेरा एक भी बाल टूटता ना मुझे बड़ी गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ बड़ी गुस्सा आता है। अरे समझ जाओ, बड़ा गुस्सा आता है, समझ गए ना? Later. Later that same evening. So finally guys, Shania ka hair care tagda hua hai bhai sahab. Aap dekh sakte ho hair care full. Good day cha. Mere bhi bata nahi sakta hu kahan tak hai. Haan, Shyan ke hair guess karo kahan tak hai. Main bata sakta hu. Yahan tak ya pata nahi kahan tak. So comment karna next hair care routine aap kiska? यहाँ तक कमेंट करके बताना नेक्स्ट हेयर केयर रूटीन आप किसका देखना चाहते हो, ये वाला वीडियो कैसा लगा, क्या आप इसको सच्ची में अप्लाई करोगे, कमेंट जरूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माता पिता की इज्जत करना, प्यार करना, हमारे वीडियो देखते रहना, बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बेस्ट पिकनिक एवर, हॉर्स राइडिंग मैजिक शो, मजा आ गया। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस हमने पिकनिक में क्या क्या किया ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।